सीन कुछ ऐसे हैं कि मैं अयान और फिरोज कहीं जा रहे थे, हम लोग घूमने, हमने कहा मेरी आज ऑफ है तो चलो हम कहीं चले जाते हैं, व्लॉग भी बन जाएगा और उनकी तस्वीरें भी लेनी थी वो भी ले लेंगे। तो अचानक सीन ये हुआ कि फिरोज कोई रिप्लाई नहीं कर रहा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, और अब तक आया नहीं। तो हमने कहा चलो मैं और अयान ही चले जाते हैं क्योंकि दिन ज़ाया ना हो, इसलिए मैंने कहा चलो मैं और अयान हम दोनों चले जाते हैं। तो मैं तो रेडी हूँ, देख लें मैं रेडी हूँ, और अयान भी आई थिंक रेडी होकर नीचे आ चुका है। तो मैं भी अभी जाता हूँ नीचे और देखता हूँ क्या सीन है, उसके बाद हम निकलते हैं। ओके, जब तक के लिए बाय। तो भाई फिर सीन कुछ यूँ हुआ कि फिरोज का मैसेज आ गया हमारे निकलते वक्त, लेकिन मेरा डेटा ऑफ था क्योंकि उसने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, तो मैंने मैसेज सीन नहीं किया। फिर उसने फौरन से अयान को मैसेज किया, अयान हमारे घर पे मौजूद था। तो अयान ने बोला भाई फिरोज का मैसेज आया, मैंने कहा कॉल मिला और मुझे दे, तो मैंने कॉल की, मैंने उसको बोला भाई कहाँ पर है, मैं सुबह से तुझे मैसेज कर रहा हूँ तू कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। तो उसने बोला भाई मैं किसी काम से गया हुआ था, अभी आप लोग कहाँ हो सबसे पहले मुझे ये बताओ। तो मैंने कहा हम तो हमारे घर पर हैं, अगर तुझे हमारे साथ चलना है तो आ जा तू हमारी गली में। तो तकरीबन 10 मिनटों में वो आ गया, तो फिर हम निकल लिए। आप पता नहीं कहाँ जा रहे थे, उसने कुछ बताया भी नहीं था, तो चलो देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। अभी तक के लिए बाय। निकलते दौरान फिरोज का फोन आ गया अचानक से, भाई कहाँ पर हो? तो मैंने कहा भाई हम लोग तो घर पर हैं, तू कहाँ पर है? सुबह से फोन नहीं किया। वे कहाँ मरा हुआ था तू? हैं? अभी नहीं, सुबह से जवाब नहीं दे रहा था। सुबह सदर क्या हुआ था भाई, ये किसी काम से? ये दोनों साथ गए थे सदर। तो मैंने कहा चल आ जा हमारे घर के पास ही, फिर हम निकलते हैं। तो अभी पता नहीं कहाँ ले जा रहे, हमें बोले बस चलो मैं खुद ही ले जा रहा हूँ। चलो बस चलते हैं, फिर कहाँ जा रहे हैं देख लेते हैं, लेकिन ये बता नहीं रहा कि कहाँ जा रहे हैं। तो भाई फिर मुझे पता लगा कि ये भाई साहब मुझे ले जा रहा है फेरर हॉल। यार पक चुका हूँ मैं फेरर हॉल देख के, पक चुका हूँ मुकम्मल तरीके से, क्योंकि भाई 2013-14 से मैं वहीं जा रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ। कोई दूसरी जगह भी ले जा भाई। मैंने उसको बोला चल मेरे साथ चल तू, मैं तुझे अच्छी अच्छी लोकेशंस बता दूँ जहाँ हमारी वीडियोस भी बन जाएंगी अच्छी, और पिक्चर्स भी ले लूँगा मैं तुम लोगों की अच्छी अच्छी लेकिन नहीं, भाई को जाना था फेरर हॉल। तो मैंने कहा चल लेते हैं यार, अब क्या करें। अच्छा आप लोग बोल रहे हो कि ये लेट के व्लॉग क्यों बना रहा है साजिद, तो बाय द वे चादर बड़ी क्लास की है दानिश भाई, आउट क्लास, बैकग्राउंड अच्छा है। अगर ये चादर ख़राब हो जाए ना तो मुझे दे देना, दीवार पर लगा दूंगा अपनी वॉल पर। भाई सर कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? बैकग्राउंड अच्छा है, गुड। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। अभी तक के लिए बाय। कहाँ जा रहे? उड़े जा बच्चा, उसका मतलब उड़ेगा बच्चा। अभी कहाँ जा रहे? पेरे लॉल जा रहे भाई, पेरे लॉल जा रहे। पेरे लॉल होता है? अच्छा सही है, ये आ गया हमारा बेनजीर पार्क, हमारा, हाँ हमारा हमारा बेनजीर पार्क। फेरर हॉल नहीं जा रहा, फेरर हॉल जा रहा है। तो अभी तक के लिए बाय। सो वी आर फाइनली एट फेरर हॉल। भाई क्यों ले आया यार यहाँ पे, ये जगह अच्छी है? हाँ माशाल्लाह हम पहली बार आ रहे हैं, ये जगह बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे 2013-14 में हम डेट पे आते थे, तू आज ले आया हम लोगों, शर्म नहीं आती तेरे को? सुबह सुबह को 7 बजे आते थे, ये भी आता था। ये भी आता था। ये भी आया हुआ है, ये मेरी बसंती और फिरोज तेरी बसंती, ये रही फिरोज की बसंती। हाँ तो दूसरा ले लेना, दूसरा ले लेना। तो भाई हम लोग फेरर हॉल पे क्या करने आए? वीडियो बनाने आए। कौन सी वीडियो बनानी है? डांस की वीडियो बनानी है भाई। ये कौवा नंगा बैठा है, आपको अजीब लग रहा है? कपड़े क्यों नहीं पहने? क्या करने हैं भाई, साउंड निकाले? भाई हम लोग आ गए फेरर हॉल पे, फेरर हॉल पे क्या करना है कुछ पता नहीं है, ये कह रहा है वीडियो बनाना है, तो चलो देख लेते हैं क्या करना है, वीडियोस बना लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी, बस थोड़ी सी। कहाँ पे?
जगह कितनी प्यारी लग रही, जगह कितनी प्यारी लग रही है। पहली बार हम लोग देख रहे हैं ये जगह को माशाल्लाह। लोकेशन के जरिए आए ना हम लोग तो। हाँ लोकेशन भी नहीं पता थी ना हमें, लोकेशन भी नहीं पता थी हम लोग। भाई पहले इसने बोला कि रात में इसने मुझसे बात की कि चलेंगे, इसी की वजह से मेरा मूड बना, वरना मेरा कोई मूड नहीं था। लेकिन फिर इसको मैंने सुबह में मैसेज किया कि क्या प्लान है, इसने मैसेज सीन किया, जवाब नहीं दिया। इसको दोबारा मैंने वॉइस की कि भाई क्या करना है, कब तक तू आ रहा है, लेकिन इसने वॉइस आ रही थी, वॉइस में आवाज नहीं आ रही थी। अबे नहीं कर यार, तो तू मैसेज कर सकता था मेरे को। नहीं फिर मैंने इसको मैसेज किया, इसने मुझे जवाब दिया। ये मेरे घर पर ही बैठा था तैयार होके, तो इसने इसको मैसेज किया, लेकिन इसने सीधा कॉल कर ली। हमने बोला पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन फिर इसने बोला कि मैं अपने घर पर हूँ। मैंने कहा आ जा फौरन से, जाते हैं अभी तक के लिए, बाय। तो भाई सीन अभी ऐसे है कि ये आया था वीडियो बनाने, लेकिन भाई साहब के पास ना इंटरनेट पैकेज कुछ भी नहीं था। फिरोज वाह बेटे वाह, आप देखो इसको, ये क्या कर रहा है। अरे तुम तो बड़े हेवी डांसर हो भाई। नहीं खुद भी भूल जाता है। मसला ये कि भाई इसको मैंने मैसेज भी किया था कि भाई साउंड निकाल लेना जो तेरे को वीडियो बनानी हो। इसको भी लाया था। इसको क्यों लाया था? लाया था कि इसको स्टेप याद होता, ये स्टेप याद होता। तूने कौन से गाने निकाले हुए, साउंड निकाले हुए? पसीना मेरा कभी नहीं निकला यार, इतना पसीना नहीं निकला है। और इस तरह से ये कह रहा है कि जब भी ये जाता है फिर सभी लीला जाता है। यही मसला क्या? ऐसे नहीं होता है, ये इस बंदे को मैं इसलिए लाया था कि ये हमें स्टेप देगा, ये स्टेप दे देगा प्याले में, थैली में, सब में दे देगा। लेकिन आपके पास गाने हैं? मेरे पास गाना है ना, ये कहाँ है? बनने वाले भी तो बनो ना भैया। बन करना आता नहीं है वैसे ही, बस ये वाले कसम कैसे कर रहे थे वो। हाँ बागा बेटा, मैं बता दूं, ये एक मिनट, ये स्टेप ये था, ये क्या कर रहा ये। मैं बता दूंगा वीडियो में। हाँ करके बता, देखना इसका स्टेप। बैगा वो जेठालाल वाला नहीं होता, बैगा। मैं स्टेप डाल दूंगा, देख लेना आप लोग भी। आ जाते मुंह उठा के। अभी का क्या प्लान है? ये देखो ये प्लान है, ये जूजू मामा की कॉल आ रही है, लेकिन ये पिक नहीं कर रहा। पिकनिक इस बंदे ने खराब कर दी, मैं उसकी कॉल नहीं उठाऊंगा। अभी क्या सीन है भाई? तेरी तस्वीरें आ गई हैं सही? हाँ तस्वीरें नहीं आई यार, तुम तीनों भी आ गई। बस जाते घर पे जाते, छोड़ क्या करेगा। तूने जाती पे बहुत तस्वीरें निकाली हैं। इतनी नहीं है मेरी, तेरी ज्यादा है भाई, नहीं है इतनी। तो भाई अभी जाते हैं कहीं चाय वाय पीते हैं, क्या सीन सही है? हाँ चलो अभी जाते हैं कहीं चाय वाय पीते हैं, उसके बाद जाते हैं। कहाँ जाएंगे? घर पे। कहाँ पे? घर पे। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग। घर पे बड़े मजे आ गए, बड़े मजे आ गए। जीसू मामू का कॉल आई है। तू बेकार बंदा है यार, तू तेरे को क्या, आइंदा से इसको नहीं ले जाऊंगा कहीं भी अर्जेंट प्लान होगा तो इसको नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बेकार बंदा है। वाह भाई वाह, बड़ा बेकार बनाने वाला है। क्या बात कर दी तुमने? अबे यार नाराज हो गया यार, जा सकते हो आप, जा सकते हो। गुड बाय। तो भाई अभी हम लोग भी यहाँ से निकलने का नाम लेते हैं, अभी तक के लिए बाय। अभी भी इसको जाना नहीं है। इसने बैकग्राउंड क्या देख लिया, बोले तस्वीरें खींच लो यार मेरी, ये देखो अभी भी सेल्फियां लेगा। एक तो जूसू मामा की कॉल पिक नहीं कर रही है, क्या हुआ? तस्वीर लेनी है? अच्छा चलो भाई इसकी तस्वीर ले लेता हूँ मैं, अभी तक के लिए बाय। खत्म। तो भाई फिलहाल हम निकल चुके फेरेरोल से, और आप ये व्यू चेक करें, और अब कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं। और इस भाई साहब को भी अभी ही आना था मुंह उठाकर, सारे व्यू का सत्यानाश। लेकिन फिर भी आप चेक करें व्यू, ये आ गई मार्केट और ये आ गया व्यू। तो फिलहाल अभी तक के लिए गुड बाय। तो भाई सीन कुछ ऐसे हैं कि ये पता नहीं लेकर आ गए सफायर, मेरे ख्याल में ये लोग यहाँ पर दोनों जॉब करते थे,
तो ये लोग यहाँ पर लेकर आए, ये अंदर अभी चल रही है बातचीत, चल रही है अपनी दोस्तों से मिलने, और ये अयान बेचारा इनको ताड़ रहा है। अयान क्या कुछ नहीं भाई भाई, ये लोग तो अंदर चले गए, हम लोग बैठ इंतज़ार कर रहे हैं, अब ये लोग आ जाएँ तो फिर देखते क्या सीन है। मैंने तो बोला चाय पीना चलते, लेकिन देखें अब ये जब निकले तब बात। फिलहाल अभी तक के लिए बाय। हाँ तो भाई हमें जाना था चाय पीने, लेकिन हम चाय पीने नहीं गए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम शादीशुदा लोग हैं, हमें बीवी बच्चों को भी टाइम देना होता है। तो आपको लग रहा होगा कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, हमारे साथ दानी साहब और फिरोज साहब। लेकिन फिरोज साहब को तो कोई मसला नहीं था, उसने कहा चाय पीने चलो कहीं भी चलो मुझे कोई इशू नहीं। लेकिन दानी साहब का तो बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रही थी और ना बहुत मार पड़ती तो मैंने कहा चलो सीधा घर जाते हैं। तो ये व्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं। सो होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड प्लीज मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट, स्कूल वीडियोस एंड मच मोर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।